गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम योर शशिकांत सर. वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एसीसी ट्यूटोरियल. मैं हूं आपका शशिकांत सर और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल एसीसी ट्यूटोरियल में. जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन है और आपका जो ऑफलाइन क्लास है बहुत दिन से बाधित है और अभी भी बाधित है. मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हूं और मेरा भरपूर प्रयास रह रहा है कि मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेबस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए और करता रहा हूं. और मैं कुछ पिछले दिनों से आपको नरेशन पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग स्पेशल रूल में नरेशन पढ़ रहे हैं और स्पेशल रूल में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में पहुंच गए हैं, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स पढ़ा दिए हैं आपको, जैसे इम्फैटिक प्लस इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और साथ साथ में जो इम्परेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग आता है तो कैसे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसके बारे में बता दिया हूं. आज आपको हम जो रूल बताने जा रहे हैं, रूल ऑफ लेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये जो लेट है, जो लेट लगा रहता है और लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं. जैसे क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये शुरू होता है, ऐसे देखना है इसको, ये शुरू हो जाता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट रहता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहता है या अदर वर्ड रहता है और उसके बाद फुल स्टॉप रहता है. ये जो है स्ट्रक्चर, पहला यहां पर याद रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक आता है और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. और ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिया रहता है तो इससे बहुत सारे ऐसे अर्थ निकलता है, इससे बहुत सारे अर्थ निकलता है, ऑर्डर का, एडवाइस का, तो कहीं रिक्वेस्ट का, तो कहीं प्रपोजल या सजेशन का निकलता है. तो कैसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले जानते हैं कि लेट का हिंदी क्या होता है. जैसे लेट लिखा हुआ है तो लेट का अगर हिंदी देखा जाए तो इसको दो या दीजिए या माना की होता है. इसका हिंदी दो या दीजिए या माना की होता है, याद रखना है. दो या दीजिए या माना की इसका हिंदी निकलता है. जैसे कोई सेंटेंस एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूं कि लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, तो ऐसे तो हिंदी इसका हो गया कि मुझे यह काम करने दो या दीजिए, ये अर्थ निकल गया. लेकिन कहीं कहीं कोई कहेगा कि लेट आई बी द पीएम ऑफ इंडिया, तो इसका हिंदी हो जाता है कि मान लो या माना कि, याद अर्थ रखना है कि माना कि या मान लो, मान लो या माना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं या बन जाऊं, याद रखना है. माना कि या मान लो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, जैसे कहते हैं ना लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल, जैसे कहते हैं ना लेट एबीसी ए ट्रायंगल, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है. तो देखिए ऐसे ही रहेगा, लेट एबीसी ट्रायंगल, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, या लेट आई बी द पीएम ऑफ इंडिया, माना कि या मान लो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं,
या लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, या कहीं कहीं आ जाएगा लेट अस प्ले टुगेदर, इसका अर्थ हो गया कि हम सब एक साथ खेले, हम सब एक साथ खेले। कहीं पर दिया रहेगा लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आओ हम सब एक गीत गाएं, आओ हम सब एक गीत गाएं। तो देखिए ये सब अलग अलग अर्थ दे रहा है और सबका अलग अलग अर्थ निकलेगा कब, जब उस चीज को कोई कहने वाला व्यक्ति का पता चलेगा तभी पता चलेगा। अगर कोई जो है मास्टर मालिक अपने सर्वेंट से कहेगा तो उसमें ऑर्डर का बोध हो जाएगा, कोई सर्वेंट अपने मालिक से कहेगा कि मुझे घर जाने दो लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर रिक्वेस्ट का बोध हो जाएगा। कोई एसपी इंस्पेक्टर से कहेगा तो क्या हो जाएगा, एसपी ऑर्डर दे देगा। तो कोई दोस्त अपने दोस्तों से कहेगा तो वहां पर क्या होगा, प्रपोज या सजेस्टेड का बोध हो जाएगा। तो लेट का क्या होता है कि अलग अलग बोध होगा, उसी को देखना है। पहले इसको जान लीजिए कि लेट का मतलब होता है दो या दीजिए या माना कि या मान लो। इस तरह से लेट मी डू दिस वर्क हो गया, मुझे यह काम करने दो, लेट आई बी द पीएम ऑफ इंडिया, मान लो या माना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, लेट एबीसी ट्रायंगल, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, लेट अस सिंग, आओ हम सब एक गीत गाएं, लेट अस प्ले टुगेदर, हम सब एक साथ खेले, इस तरह से दिया रहेगा तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। हम आपको बता दे रहे हैं अभी डायग्राम के माध्यम से कि लेट का अर्थ क्या क्या होता है, कैसे दिया रहेगा, कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा खाली इसको क्या कीजिए, पहले इसको समझ लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूं डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए यहां पर हम अलग अलग जो सेंस देता है उसको बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर तो पहले ही बता चुके हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है, आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में तो अलग अलग अर्थ देगा। कहीं पर ऑर्डर का अर्थ निकलेगा आज्ञा का, तो कहीं सजेशन या प्रपोजल का अर्थ निकलेगा सुझाव या प्रस्ताव का, तो कहीं विश का अर्थ निकलेगा इच्छा का, तो कहीं रिक्वेस्ट का अर्थ निकलेगा अनुरोध या आग्रह का अर्थ निकलेगा। आप देखिए कैसे अर्थ निकलेगा, कैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर में रहेगा दिया हुआ सेंटेंस, थोड़ा सा हमने लिख कर बता दिया है आपको कि देखिए पहला जो दिया हुआ है कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट लेट द मैन कम इन, इस तरह के दिया हुआ सेंटेंस है। तो देखिए मालिक जो है नौकर से कह रहा है कि उस आदमी को अंदर आने दो, मालिक जो है नौकर से कह रहा है कि उस आदमी को अंदर आने दो। तो यहां पर क्या हो रहा है, मालिक जो है अपने सर्वेंट को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये सेंटेंस में क्या हो गया, ऑर्डर का अर्थ निकलता है। फिर एक दे सेड टू हिम लेट्स या लेट अस प्ले टुगेदर, वे लोग उससे कहते हैं कि आओ हम सब एक साथ खेले, आओ हम सब एक साथ खेले। तो ऐसे सेंटेंस से क्या हो रहा है, सुझाव या प्रस्ताव या सलाह जिसे कह सकते हैं उसका बोध हो रहा है। फिर जो है यहां दिया द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, जो नौकर है अपने मालिक से कहा मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। तो यहां क्या कर रहा है वो, यहां पर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह विनती का बोध हो रहा है। फिर है कि द चाइल्ड सेड लेट मी हैव सम बिस्किट्स, बच्चा ने कहा कि कुछ मुझे बिस्कुट चाहिए, मुझे कुछ बिस्कुट दो, बच्चा कहता है कि मुझे कुछ बिस्कुट दो। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बिस्किट खाने का इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो है विश का अर्थ निकल रहा है, विश मतलब होता है इच्छा, इच्छा का बोध हो रहा है। तो इस तरह से देखिए हमने बता दिया आपको कि ऐसे दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, अलग अलग अर्थ निकलेंगे, ऑर्डर कहीं निकलेगा तो कहीं सजेशन निकलेगा तो कहीं विश तो कहीं रिक्वेस्ट निकलेगा। अब जो है आपको ध्यान पूर्वक इसको देखना है, उसके बाद हम लोग रूल बताएंगे इसको कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, कैसे ये सब सेंटेंस दिया रहेगा, ये सब सेंटेंस आएगा आपको डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो कैसे इस सबको बदलेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान, तो देखिए यहां पर रूल कहता है कि डायरेक्ट स्पीच
डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है अंदर का वाक, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है कि कैसे शुरू होगा, आपको पहले भी सेंटेंस लिखकर बता दिया था लेट वाला कैसे शुरू होता है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जानते ही होंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और ये रहेगा से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा से शुरू होगा। अगर वाक जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर का, तो उससे और उससे सजेस्ट करा के, और उससे सजेस्ट या प्रपोज, और जो सेंटेंस शुरू हुआ उस सेंटेंस का अर्थ सजेस्ट कर रहा है या प्रपोज कर रहा है, सुझाव दे रहा है या प्रस्ताव दे रहा है, अब ऐसा अर्थ निकलता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस प्रकार बदलते हैं। अगर लेट से दिया रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस और उससे सजेस्ट या प्रपोज का अर्थ निकलता है, मतलब कि सुझाव या प्रस्ताव का अर्थ निकलता है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। तो देखिए रूल्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, शुरू से जो करते आ रहे हैं जनरल रूल से करते आ रहे हैं वही चीज पहला स्टेप में करना है, वही चीज पहला रूल में करना है। तो क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से सेड सेड, याद रखना किसका, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब से सेड सेड। इसको क्या करना है, वाक्य के अर्थ के अनुसार, कौन से वाक्य के अर्थ के अनुसार, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है वाक, उसके अर्थ के अनुसार हमें क्या करना है इसको, तो आपको याद रखना है कि इसको हमें बदल देना है सजेस्टेड में या प्रपोज में, याद रखना है सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देना है, मतलब से सेड सेड है, अगर सेड है दिया हुआ तो सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देना है। अब याद रखिए, तो सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, याद रखना है कि सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड, प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट, सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा भी होता है याद रखना है। फिर कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा, आप जानते होंगे इन्वर्टेड कॉमा जो दिया रहता है, ये वो सिंगल वाला हो गया जो नीचे में लगा हुआ रहता है इन्वर्टेड कॉमा, तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इस तरह से दिया रहेगा याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर दीजिएगा, उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, याद करना है उसके स्थान पर हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। अब रूल नंबर थ्री कह रहा है कि इसके बाद लेट जो दिया हुआ है, लेट से शुरू हो रहा है ना इंपरेटिव सेंटेंस, तो लेट को हटा दे, तथा जब लेट हट जाएगा तो दैट के बाद जो शुरू सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा जिसके लिए, तो याद रखना है कि सब्जेक्ट जब प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट जैसे दिया रहेगा अस रहेगा, याद रखना है अगर अस दिया हुआ है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी या दे का प्रयोग करेंगे, अस दिया रहेगा और जैसे उसको बनाएंगे तो वी या दे का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हो जाएगा शुड, शुड के बाद वी वन हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लास्ट में लगा रहेगा, ऐसे वाक्य का शुरू करना है। तो पहले फिर एक बार समझा दे रहे हैं आपको, देखिए क्या करना है कि सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है से सेड सेड को वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देना है। कब बदलेंगे, जब वाक्य का अर्थ सजेस्ट या प्रपोज कर रहा हो, मतलब कि ये आपको सुझाव या प्रस्ताव, सुझाव या प्रस्ताव का अर्थ दे रहा हो तभी हम सजेस्टेड या प्रपोज में बदलेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। फिर कह रहा है कि इसके बाद जो लेट दिया रहेगा, लेट को हटा दे तथा सब्जेक्ट जो है इस तरह शुरू करना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और याद रखना कि सब्जेक्ट क्या आएगा, वी या दे आएगा, यहाँ पर अस रहेगा तो उसके लिए हम वी या दे का प्रयोग करेंगे, ऐसे शुरुआत करना है। तो थोड़ा सा आप इसको देख ले, उसके बाद
देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए हैं, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। रूल्स जो भी बताया आपको कि किस तरह से चेंज करना है वैसे ही बदलेंगे, बिल्कुल दम आसान है बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा, उसने अपने मित्रों से कहा लेट अस प्ले टुगेदर, आओ एक साथ खेले। वह जो है अपने मित्रों से कहा कि आओ एक साथ खेले। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रस्ताव दे रहा है कि साथ में खेलने के लिए, एक सुझाव दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आकर साथ में खेलते हैं। तो यहाँ सेंटेंस से ही, जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसी से पता चल जाएगा आपको कि वो सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, कि एडवाइस कर रहा है, कि ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि विस्ट कर रहा है। ये सेंटेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि वह जो है अपने मित्रों से कहा आओ एक साथ खेले। तो एक साथ खेलने के लिए क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है या प्रस्ताव कर रहा है, साफ स्पष्ट हो रहा है। आदेश तो नहीं दे रहा है अपने मित्रों को, सलाह ही दे रहा है ना, सजेस्टिंग कर रहा है ना, प्रपोज ही कर रहा है ना। तो जब पता चल ही गया सेंटेंस का अर्थ तो बिल्कुल आसान हो जाएगा चेंज करने के लिए। तो देखते हैं कैसे बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप बताया था आपको रिपोर्टिंग वर्ब को, इस रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट दिया हुआ है, इस सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे हम। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो यहाँ के सेंस को समझकर ही बदलेंगे। तो सेंस समझ में आ गया कि प्रपोज कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो लिखना है कि ही, अब इसको चेंज कर देना है प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, कोई दोनों मैं बता दे रहा हूं आपको, सजेस्टेड आप कोई एक ही लिखना, यहां पर दोनों से बता दे रहा हूं एक में, लेकिन कोई एक ही चीज एक ही प्रेफर करना है आपको, पसंद करना, कोई दोनों से कोई एक ही लिखना है। तो ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड कोई एक ही लिखिए, प्रपोज या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, यहां तक लिख दिए। प्रपोज या सजेस्टेड के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, टू प्रीपोजिशन लेना है, और प्रपोज सजेस्टेड के पहले जो प्रपोज या सजेस्टेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो उसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, याद रखना है। तो ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स कॉमा, और डबल इनवर्टेड कॉमा है, उसको हटाकर क्या करना है, दैट लगा देना है, दैट। अब यहां पर से लेट जो दिया हुआ है इस लेट को भी हटाना है, तो हो गया ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट। अब यहां पर देखिए हिज फ्रेंड्स आया है, अब वो है जो अपने मित्रों से कह रहा है, तो यहां पर प्रोनाउन लेना है सब्जेक्ट ग्रुप में, तो दे लेते हैं। अगर यहां पर अस रहता तो उसके लिए हम लोग वी का प्रयोग करते हैं, अगर यहां पर हिज फ्रेंड्स की जगह पर अस देता तो उसके लिए हम वी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर थर्ड पर्सन में है तो यहां पर हम दे का ही प्रयोग करेंगे, बेटर होगा। फ्रेंड्स दैट, अब दे के साथ क्या लगाने के लिए बताया थे आपको, शुड, तो दे शुड, और उसके बाद क्रिया का पहला रूप क्या है, प्ले, तो दे शुड प्ले टुगेदर, टुगेदर अदर वर्ड है इसलिए लास्ट में लिखा गया। तो हो गया आपका देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, हमने बदल दिया सेड को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, उसके बाद टू हिज फ्रेंड्स लिख दिया ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके बाद कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया है, और जो लेट हटाकर क्या करना था, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन का प्रयोग करना था, उसको कर दिया दैट दे शुड प्ले टुगेदर। अगला आप देखते हैं दिया हुआ है, अब तो आसानी से आप भी बना सकते हो, समझ गए होगे। तो अब क्या कर देना है, ये भी क्या कर रहा है, लेटेस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, ये भी तो सलाह दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है कि आओ एक साथ सुबह में टहलते हैं, प्रस्ताव दे रहा है कि एक साथ सुबह में टहलते हैं, तो ये भी तो उसी तरह से बनाना है। तो क्या हो जाएगा, गीता प्रपोज्ड, गीता प्रपोज्ड टू सीता दैट, अब क्या हो जाएगा, दे लगा देना यहां पर, शुड वॉक इन द मॉर्निंग, दे शुड वॉक इन द मॉर्निंग, गीता प्रपोज टू सीता दैट दे शुड वॉक इन द मॉर्निंग हो गया, ऊपर से बता दिए इसी तरह से बदल देना है। अगला देखिए कैसे बदलेंगे इसको, अजय सेड टू मी लेट राधा परफॉर्म हर वर्क इन टाइम, अजय ने मुझसे कहा कि लेट, देखिए यहां पर है दिया हुआ, यहां पर एक अलग तरह से सेंटेंस आ गया है,
इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये अलग अर्थ दे रहा है इसलिए इसको चेंज कर देता हूं। अजय सेड टू मी लेट अस गो टू द पिकनिक, लेट अस गो टू द पिकनिक। अजय ने मुझसे कहा आओ हम सब पिकनिक पर चले, आओ हम सब पिकनिक पर चले, तो हो जाएगा अजय प्रपोज्ड मी दैट। अब यहां पर अस है ना, तो इसके लिए क्या ले लेंगे, वी का प्रयोग कर लेते हैं। अजय प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द पिकनिक, प्रस्ताव दे रहा है पिकनिक पर चलने के लिए, सुझाव दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, इस तरह से बना दिए। अब है इनडायरेक्ट स्पीच में एक और देखिए बनाना है, दे से टू अस लेट अस सिंग ए सॉन्ग, उन लोगों ने हम सबसे कहा आओ एक साथ गाएं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आओ एक साथ गाएं, आओ एक साथ एक गीत गाएं। तो ये भी क्या कर रहा है, एक सलाह दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। इसको भी बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, दे प्रपोज्ड, अब देखिए दे प्रपोज्ड टू अस दैट, अब क्या लेंगे अस यहां पर है ना, तो यहां पर बी ले लेते हैं अस, दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग, दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग। और लास्ट जो एक और दिया हुआ देखते हैं, इसको लिखा हुआ द पीएम सेड टू हिज कंट्री मैन लेट अस वर्क फॉर द नेशन, या देखिए जो प्रधानमंत्री हैं अपने देशवासियों से कहते हैं कि आओ हम सब देश के लिए काम करें, आओ हम सब देश के लिए काम करें, जैसे इसमें था कि लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आओ हम सब एक गीत गाएं, उसी तरह से आओ हम सब देश के लिए काम करें। तो यहां पर हो गया द पीएम प्रपोज्ड, द पीएम प्रपोज्ड टू हिज कंट्रीमैन दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन, दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन। तो समझ लीजिए कैसे बनेगा, पहले बता दे रहा हूं कि क्या करना है, लेट को हटा देना है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, तो ये जो लेट प्लस सेंटेंस दिया हुआ उसका अर्थ को समझकर ही चेंज करना है। प्रपोज या सजेस्टेड का बोध होगा तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देना है, कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा को हटा देना है, उसके स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना है, और जब लेट को हटाएंगे तो उसके बाद प्रोनाउन प्लस शुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो प्रोनाउन या तो वी लेंगे या दे, थर्ड पर्सन के लिए रहेगा उसमें तो दे होगा, अगर अस आता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसमें हम लोग जो वी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद शुड प्लस वी1 का प्रयोग करना है। तो देखिए इसी तरह से चेंज किया गया, जैसे इसमें पहला था कि ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले टुगेदर, उसने अपने मित्रों से कहा आओ हम सब एक साथ खेले, याद रखना हिंदी होता है आओ हम सब एक साथ खेले, तो ये प्रस्ताव दे रहा था, इसलिए यहां पर सजेस्टेड या प्रपोज का प्रयोग हुआ, सजेस्टेड है प्रपोज का कोई एक ही का प्रयोग करना है। उसके बाद कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटा तो उसके लिए हमने टू का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद जो है टू हिज फ्रेंड्स हो गया, फिर हटने के बाद दैट हुआ, उसके बाद क्या हो गया लेट को हटाने के बाद हम लोग प्रोनाउन प्लस शुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। आप इसको देख ले और इसे आप इसे देख लीजिए और इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर ले, इसके बाद मैं आगे और कुछ बताने जा रहा हूं इसी में। तो चलिए इसमें और देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे और वो जो लेट या लेटेस्ट से शुरू होता है, याद रखना है लेटेस्ट से शुरू होता है इस तरह से दिया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस, तो कैसे उसको बदलना है ये बता रहे हैं।
लिखा हुआ है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और उससे सजेस्ट या प्रपोज का अर्थ निकले, कह रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उससे सजेस्ट या प्रपोज का अर्थ निकले, मतलब कि सलाह देने वाला सुझाव देने वाला अर्थ निकले और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद जब उसको हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें हम वी फोर प्लस ओ डब्ल्यू का प्रयोग, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस जो हम प्रयोग करते थे पहले कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसको नहीं प्रयोग करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, सीधे प्रयोग करना है वी फोर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ओ डब्ल्यू दिया रहेगा, इसका प्रयोग करना है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम लिखे हैं, उसको मैं चेंज करके बता रहा हूं कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहा है, देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहां पर लेट से शुरू हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, आप पूरा सेंटेंस का ही प्रस्ताव का अर्थ निकल रहा है कि लेट अस डांस टुगेदर, दे सेड, उन लोगों ने कहा आओ हम सब एक साथ नृत्य करें, आओ हम सब एक साथ नृत्य करें, कह रहा कि आओ हम सब एक साथ नृत्य करें, प्रस्ताव दे रहा है, सलाह दे रहा है, अब इसमें है ही नहीं ऑब्जेक्ट तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसको ऐसे चेंज कर देना है, दे, अब यहां पर कोई एक ही लेना है तो हम ले लेते हैं सजेस्टेड, तो दे सजेस्टेड, अब ये तो जान ही रहेंगे कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हट जाता है, ये सारा चीज को हटा देना है, दे सजेस्टेड, अब यहां पर नहीं दैट का प्रयोग करना है, दैट भी नहीं प्रयोग करेंगे, सीधे डायरेक्ट लिख देंगे दे सजेस्टेड डांसिंग, वी फोर में बदल देना है, जो वी वन था वो वी फोर में बदल जाएगा, दे सजेस्टेड डांसिंग टुगेदर, दे सजेस्टेड डांसिंग टुगेदर, ऐसे बना देना है, याद रखना दे सजेस्टेड, एक कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब हटा देना है, लेट को भी हटा देना है, और दैट वुड कुछ नहीं लिखना है, देखना है मेन वर्ब कौन है उसको वी फोर कर देना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड देंगे, और सीधे लिख देना है। एक और देखिए एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, सी सेड लेट्स या लेट अस गो टू द पार्क, इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो सी सजेस्टेड, सी सजेस्टेड, अब यहां सब हट जाएगा ये सब, अब यहां पर क्या करना है, गोइंग, सी सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क हो जाएगा, गोइंग टू पार्क, यहां पर आप द लगा दीजिए, गो टू पार्क है, गो टू द पार्क तो हो जाएगा गोइंग टू द पार्क, गोइंग टू द पार्क, इस तरह से बना दे। एक और है, माय फ्रेंड सेड लेट्स ईट टुगेदर, तो इसको भी बना दीजिए, माय फ्रेंड्स सजेस्टेड, अब ईट है तो इसको वी फोर हो जाएगा, ईटिंग टुगेदर, इस तरह से चेंज कर दिया गया है, माय फ्रेंड सजेस्टेड ईटिंग टुगेदर, याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, लेट से शुरू हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, उसका सेंस निकल रहा है प्रपोज या सजेस्टेड का, तो उस सेंस में हमें क्या करना है कि जो वी वन दिया हुआ है इसको वी फोर में बदलकर और जो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, बाकी क्या चेंज करना है, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा को हटाना है, दैट का भी प्रयोग नहीं करना है, लेट को भी हटा देना है और इस तरह से लिख देना, तो ये होगी आपको चेंज करने के लिए, माई फ्रेंड्स सजेस्टेड इटिंग टूगेदर। अब हम लोग चलते हैं रिक्वेस्ट वाले में कि कैसे उस लेट से ही शुरू होगा और उससे कैसे रिक्वेस्ट का अर्थ निकलता है उसकी ओर चलते हैं, अगला रूल में हम लोग चलते हैं। आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लो,